अब यहाँ पर मैं एक ऐसे बच्चे को उठाऊंगा जो यहाँ पर मैं जो जो फॉर्मूला पूछूंगा वो यहाँ आके बताएगा, और उससे मैं 2 से लेकर 20 तक का टेबल पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं 100 को बुलाऊंगा, 100 के सामने आ जाओ। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम बताते जाना कि फॉर्मूला मैं जो पूछते जाऊंगा उसका आंसर दे जाना। एक्स टू पावर ए इंटू एक्स टू पावर बी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू पावर ए प्लस बी। एक्स टू पावर ए डिवाइड बाई एक्स टू पावर बी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू पावर ए माइनस बी। एक्स टू पावर माइनस एम का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू पावर माइनस एम का फॉर्मूला क्या होता है? x टू पावर m के होल पावर में n का फॉर्मूला क्या होता है? x टू पावर m के होल पावर में n। अच्छा सर, x के पावर में m इनटू n। x टू पावर m के होल पावर में n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर में m इनटू n। x टू पावर में m इनटू n। सही। अब तुम 19 का टेबल बताओ। 15 8 जा। तुमको डेली वैसे टेबल लिख के लाना, मैं बोलूं चाहे ना बोलूं। अब फॉर्मूला दिया हूँ तो एक को 5 बार लिखना है, और डेली तुमको क्या लिख के लाना है? टेबल लिख के लाना है, ठीक है? टेबल डेली 2 से लेकर 20 तक का डेली टेबल लिख के लाना है, चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं। देखो 100 देखो, बोला 20 तक का टेबल आज तक नहीं भूला है। तुम दिन भर साइकिल चलाते रहते हो, ये कहाँ से गिर गए हो? टेबल को पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि टेबल बहुत ही जरूरी है। आजकल जो 10th क्लास के बच्चे भी पहुंच जाते हैं ना, उनको टेबल नहीं याद आता। कॉलेज तक पहुंच जाते हैं तब भी टेबल याद नहीं रहता है, समझ गए? तो टेबल याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेबल अगर याद नहीं रहेगा कहीं बाद में कब प्रॉब्लम जाता है पता है? जब हम इंटरव्यू दिलाने जाते हैं ना, और इंटरव्यू में मान लो तुम कलेक्टर के लिए इंटरव्यू देने गए, ठीक है, अब तुमसे 18 का टेबल पूछ दिया, तो 18 का टेबल नहीं बता पाओगे तो फिर पछतावा होगा कि नहीं होगा? अरे मैं कहाँ से 18 का टेबल याद कर लिया होता तो मैं अभी कलेक्टर बन गया होता। मतलब कई बार जब बड़े बड़े कॉम्पिटिशन बड़े बड़े एग्जाम का जब इंटरव्यू होता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ पूछ देते हैं, तो लोग छोटे छोटे चीज़ को नहीं देखते हैं, बड़ा बड़ा चीज़ को देखते हैं। तब कॉपी का किताब को पूरा काट के चले जाते हैं, किताब का ना पूछ के दूसरी जगह का पूछ देते हैं, दूसरी जगह की चीज़ को बता नहीं पाते, समझ रहे हो? तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को क्या क्या चाहिए? बेसिक चीज़ टेबल हो गया, छोटे छोटे चीज को अपन को अच्छे से क्लियर कर लेना, समझ गए? तो जैसे टेबल एबल है तुम डेली लिख के लाओगे। चलो आजा, तुम आजा जल्दी आओ। क्योंकि ये सब बेसिक चीज बहुत ही जरूरी है। सौदे पहले गधा था, अभी भी गधा है, समझ गया? धीरे धीरे होशी आपको, ठीक? हाँ इधर आ जा। हाँ
बता दो क्या बताना चाहते हो, कौन सा फॉर्मूला बताना चाहते हो। चलो मैं पूछता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। गुड, क्या बोला ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, मान लो अगर ये माइनस लगा रहे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। गुड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं अभी टेंथ क्लास में बच्चे को पूछूंगा ना, कई बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं रहता, मेन बात उनको मंत्र याद रखना है, छड़ी का कमाल तो ऐसी हो जाएगा, मंत्र याद है तो क्वेश्चन में जैसे कि कोई भी चीज को जैसे हैरी पॉटर पिक्चर है, छड़ी लेके बस काम नहीं होता है, वो मन में ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ता है तभी तो कुछ कुछ ना कुछ हो जाता है, जादू होता है कुछ भी, है ना। तो हमको ना ये सब चीज फॉर्मूला है ना, वो अपन को ना किसके लिए याद करना है, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे फॉर्मूला यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो सब फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। ठीक है, गुड, ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी तुम जब एट क्लास पहुंचोगे ना तब पढ़ोगे, ठीक है जी। चलो x टू पावर a इनटू x टू पावर b का फॉर्मूला क्या होता है? x टू पावर a प्लस b। हाँ गुड, अगर यहाँ डिवाइड लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x टू पावर a माइनस b। ठीक है गुड, मतलब इसको फॉर्मूला याद हो गया है सब चीज, है ना। ठीक, तुमको बस टेबल याद करना है, अगर मैं टेबल पूछूंगा तो नहीं पता पहले, मैं जानता हूँ। ठीक है, तुमको क्या याद करना है? टेबल याद करना है, जल्द से जल्द टेबल याद करना है, x टू पावर माइनस m, और मैं बोलूं चाहे ना बोलूं तुमको टेबल लिख के आना है। x टू पावर माइनस m का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन x टू पावर m। अच्छा ये बताओ, x टू पावर m के होल पावर में m का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से सोच लो एक बार, x टू पावर m इंटू m होता है, समझ गए? तो ये सब फॉर्मूला भी यूट्यूब का बहुत काम आता है फॉर्मूला, है ना। ठीक है, अच्छा टेबल का मतलब याद है तुमको, अभी सही से बताना एकदम एकदम सही, 9 तक टेबल याद है कि 10 तक, 11 12 13 कहां तक याद है? सही सही बताना, वहां मैं पूछ दूंगा अभी। अरे थोड़े तेज बोलोगे, 12 तक याद है सही में? 12 तो पूछे इससे, ठीक है, 12 तक याद है कोई बात नहीं, बाद में पूरे 20 तक याद हो जाएगा। ठीक है, चलो 12 तक बोलो, थोड़ा तेज बोलो, एकदम धीरे धीरे मत बोलो। 12 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 सही नहीं पता, नहीं बताऊँ कहाँ तक टेबल याद है तुम, तुमको पूरा 20 तक याद होना चाहिए। अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ होमवर्क रहेगा तुम्हारा, 12 से लेकर 20 तक का टेबल को एक टेबल को फैट एक टेबल को टू टाइम्स लिखना, कितने बार लिखना है? दो दो बार लिख के डेली दवा खा के आना है। ठीक है, डेली जब दवा खाओगे तो एक टाइम होगा कि तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, जाओ। ठीक है, सब बच्चों में बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या जरूरी है अपन को, बेसिक चीज जरूरी है ना, टेबल हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, है ना। अरे कई जन 9th क्लास वाले बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, 10th सीबीएसई के स्टूडेंट कई लोगों को मल्टीप्लाई करना सिखाया हूँ, पहले उन लोगों को मल्टीप्लाई सिखाया हूँ, डिवाइड सिखाया हूँ, कैसे पॉइंट वाला डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं पॉइंट वाला हैं। अरे भूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं है, स्कूलों में आजकल इतना ज़्यादा ऐसा पढ़ाई भी नहीं होता है, उतने सारे बच्चे रहते हैं एक साथ, पढ़ाई होता है बहुत से स्कूलों में, पढ़ाई होता है वही बहुत से स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, समझ गए। तो बच्चे को बेसिक चीजें जानकारी देना बहुत ही जरूरी है ना, बस बुक कम वाले नहीं, वो क्या है स्कूल में मेन उद्देश्य क्या रहता है, कई स्कूलों का मेन उद्देश्य रहता है कोर्स कितना जल्दी जल्दी कम्प्लीट हो जाए और बच्चे को बार बार होमवर्क देते जाए, असाइनमेंट देते जाए। इस बार क्या हुआ स्कूल में बताओ, कैसे हुआ? इधर आओ, इधर आओ, आगे बताओ, सामने खड़े हो जाओ। अच्छा स्कूल में मैथ्स की पढ़ाई कैसी हुई है बताओ, क्या क्या होता था? थोड़ा तेज बोलो, पास आके पहले बुक का क्वेश्चन देते थे और बाद में रखा था तो बेसिक होता था। और बेसिक होता था, क्यों होता था पहले स्टार्टिंग में बेसिक चीज के बारे में, ये फॉर्मूला लगाना सिखाना है सब, फॉर्मूला नहीं सिखाते थे, ये प्लस माइनस वाला बताए कि नहीं बताए, डायरेक्ट ही बुक पढ़ाने लगे, डायरेक्ट बुक से पढ़ाने लगे। और सॉरी तुम्हारे में तो क्या होता है आजकल कि
डायरेक्ट बुक को पकड़ लाते थे, बच्चे को देखते नहीं है कि बच्चा वो बेसिक है, बेसिक आता है या नहीं आता, ये सब नहीं देखा जाता। बच्चे में ये देखा जाता है कि बच्चे को डायरेक्ट अपना अपना स्कूल वाले, कई स्कूल वाले टीचर का उद्देश्य ये रहता है कि अपन को क्या करना है, जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करना है, है ना, और जल्द से जल्द कैसे सिलेबस खत्म कर दे और बस खत्म, कैसे फ्री हो जाए। तो सबसे पहले ये हमको करना पड़ेगा, स्कूलों में ये सब चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या है स्कूल में, सब टीचर लोग को ये ध्यान देना है कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, बच्चे लोगों को बेसिक पे ध्यान देना है। बच्चे लोगों को अगर माइनस प्लस वाला नॉलेज नहीं है तो बुक का नॉलेज कैसे होगा, मैथ्स बनेगा क्या उससे? देखो ना, अब सिक्स क्लास, फिफ्थ क्लास, एट सेवन एट, माइनस टू, माइनस फाइव, ये सब चालू हो जाता है। ये सब चीज़ के बारे में सबको जानकारी रखना जरूरी है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर देखो इसको टेबल याद है, अगर कहीं बस उसका यूज हो गया 18 इंटू 8 आ गया, कहीं भी 18 इंटू 8 आ गया तो 100 दे डायरेक्ट बता देगा, ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कोई भी है अगर कोई टेबल आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, कोई भी मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बची चीज़ों की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो अब क्लास कर लेंगे क्योंकि अब 10th क्लास लगने वाली है, ठीक है, चलो ठीक है, बाय।